हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल तरोताज़ा और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो देखिए दोस्तों, सारे दिन की आपाधापी के बाद मुझे ये टाइम मिला है कि मैं बैठ के आप लोगों के साथ, यानी अपनी प्यारी सी वाइटी फैमिली के साथ 1, 2, 3 या 4 बातें कर सकूँ। तो फिर बस मैंने सोचा कि चलिए बातें कर लेते हैं आपके साथ। एक्चुअली क्या है ना कि अभी हम लोग निकल रहे थे मार्केट के लिए, लेकिन इतने में सीमू ने बोला चाय बना रही हूँ, चाय पी लें। अब चाय अगर किसी को बोल दी जाए इंडिया में, तो आपको पता है वो अपने 100 काम वहीं छोड़ देगा, लेकिन चाय ज़रूर पिएगा। चाय के साथ तो हमारी ऐसी दोस्ती, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात। तो मैंने भी कहा चाय बन रही है तो चाय पी के ही जाऊंगी। तो मैंने कहा चलो, जब तक मैं चाय पी लेती हूँ तब तक आपके साथ कुछ बातें भी कर लेती हूँ। तो जी, आज का व्लॉग आप लोगों के सामने है। ये बड़ा छोटा सा व्लॉग बनाया है मैंने, लेकिन मेरा एक और बहुत अच्छा व्लॉग आ रहा है नेक्स्ट। एक अच्छा सा सरप्राइज कुछ कलेक्शन है, तो वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। अभी आप ये व्लॉग एंजॉय कीजिए और मैं इंतज़ार करती हूँ चाय का। आएगी आएगी, ज़रूर आएगी मेरी चाय, आएगी आएगी, ज़रूर आएगी। तो दोस्तों देखिए भाई, मेरी तो आ गई है यहाँ पर गर्मा गर्म चाय और समोसा। तो आप भी आ जाइए, चाय और समोसे का आनंद लेते हैं। और जब तक ये चाय और समोसा मैं फिनिश कर रही हूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग को देखिए, और देखने के बाद प्लीज़ भूल मत जाइएगा लाइक शेयर, और जो लोग नए आए हैं मेरे प्यारे प्यारे से नए दोस्त, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो आपका बटन है वहाँ पर रेड बेल बटन, बेल बटन के अंदर ऑल का ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से चाय ख़त्म करते हैं और उसके बाद मैं शुरू करूँगी अपना काम, लेकिन आप इन्जॉय कीजिए मेरा ब्लॉग। तो बाबू की हेयर कटिंग हो गई है, दीदी अब देखते हैं आ गए हैं वो दरवाजे पे खड़े हैं, मैं दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ। मैंने कहा था अच्छे से करवा, कह रहा है कितने महीनों के बाद देखूंगी उनको नए कट करना, देखती हूँ कैसे लग रहे हैं। चलो इतने दिन के बाद बाल तो कटे, कम से कम अब कैसा स्टाइल बनेगा क्या होगा वो तो अभी नहा तो कहेंगे जब पता चलेगा। इतने बड़े बड़े बाल, मुझे तो कॉम्प्लेक्स होने लगा था मेरी चोटी लंबी है, मेरे हस्बैंड की चोटी लंबी है। ठीक करो ठीक करो, नहीं मैं ठीक नहीं करो, ठीक चलिए ठीक है। जब तक हस्बैंड नहा धो के आते हैं और अपना लुक दिखाते हैं, मैं जब तक बाकी काम निपटा देती हूँ। और फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ पे कमरे में फ़ैन ऑन कर रखा है, और ये बाल्टी के अंदर मैंने पानी भर के यहाँ रखा हुआ है, इसकी ज़रूरत पड़ रही है आजकल, क्या करें पानी इतना गर्म आ रहा होता है। और क्योंकि यहाँ पे चिड़िया वगैरह को बाहर पानी देना होता है, तो छत पर भी और दोनों फ्लोर्स पे, मैं छत पर नीचे इस वाले फ्लोर पे पानी रख के आती हूँ, फिर यहाँ पे बिल्लियाँ वगैरह जो होती हैं बाहर, इनके लिए भी पानी रखना होता है, तो मैं इस तरीके से पानी को ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। अब ये पानी देखो एकदम बहुत अच्छा ठंडा पानी हो रहा है, तो ये पानी पीने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो इतना गर्म पानी है कि ऐसा लगता है जैसे अभी अभी उसमें बस टी बैग्स डालो और वो अभी चाय बन के तैयार हो जाएगी। और मेरा बाबू जो है वो नहीं नहीं करके आ चुका है, और अब देखती हूँ मैं फाइनली। अब तो दिखा दो कैसे लग रहे हो, देखो। सही है? अब सही लग रहा है सच में, मतलब ये वो वाला लुक लग रहा है मुझे तुम्हारा, जैसे वो मुझसे शादी करोगी पिक्चर में सलमान खान का लुक लगा बनाया था ना, सेम वही। हाँ अरे क्यों खराब कर रहे हो, सही तो है, सही लग रहा है ऐसे, मत खराब। वो सारी फिल्म ठीक है, अच्छा लग रहा है, बाल बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ यहाँ से ना एक्चुअली तुम्हारे बाल यहाँ से कम होने लग गए तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी इसीलिए ना। चलो अब तुम्हारा हो गया फ्रेश ना, मैं फ्रेश होके आती हूँ, ठीक है? तुमको जो देखना है तब तक तुम देखो।
मेरा छोटा सा गधा कहाँ है, मेरा प्यारा सा गधा कहाँ है, और मेरे पास ये कौन खड़ा है, ये कौन निकल है, अरे ये तो देखो कौन निकल है, अरे ये तो मेरा बाबू है, ये तो मेरा छोटा सा गुड्डा है। ये स्कॉच ब्राइट जैसी जीव मुझे साफ कर डालेगी मेरी बच्ची, सबसे पिट के आता है मेरा गोकू, सबसे पिट जाता है गोको, मेरे गार्लिक के साथ पिटाई करते हैं, यहाँ तो गुदगुदी हो रही है गोको, अरे गुड़, अरे मेरे गुड़, मेरा गार्लिक, मेरा छोटा सा गार्लिक, मेरा नन्ना सा पकौड़ा, बाबू मैं जाऊँ, गार्लिक बाय टाटा। और जी शाम के टाइम हमने डिसाइड किया, चलो बहुत दिन हो गए सब्जी लेने नहीं गए हैं मार्केट, वो खुद ही ले आते थे अब तक, तो मैं और वो जा रहे थे सब्जी लेने मार्केट, तो चलिए आपको भी अपने साथ ले चलते हैं अपने यहाँ की मार्केट, आपको कुछ पसंद आए तो आप भी ले लेना, कोई टेंशन मत लेना, हम हैं ना साथ में। लॉकडाउन खुलने के बाद से पूरी रौनक है मार्केट के अंदर, देखिए बहुत रौनक है, लेकिन बुरी बात यही है कि कई लोग हैं जो सोच रहे हैं अब कोरोना गायब हो गया है, तो कई लोग मास्क लगा ही नहीं रहे, कुछ समझदार लोग तो लगा रहे हैं पर सब नहीं लगा रहे। कोई बिल्ली का बच्चा कहीं फंसा हुआ है, रो रहा है बहुत जोर से, रो रहा है, देख सुना तुमने पीछे बहुत जोर से रो रहा है, ऐसे देखो रो रहा है, बिल्कुल मैं आगे लगा लो थोड़ी सी। ये कच्चा वाला खजूर है जी हाँ। थैंक यू भाई, लेकिन ना ये मीठा नहीं है भैया, मैंने खा कर रखा, ये देखना ठीक का निकला, आगे देखना क्या चीज है, खजूर कच्चा खजूर, मतलब क्या खा के देखो भाई, बेर जैसा है टेस्ट में, बेर जैसा है, वो छोटा है इसलिए आपको अच्छा नहीं लगेगा, अब भैया वो क्या पता चला, वो भी खा लो, ये मीठा ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है ठीक है, ये वाला ठीक दिया भैया ने, मीठा है, बेर जैसा टेस्ट में, कितना चाहिए तुमको मैं देता हूं, कैसे किलो दे रहे हो, क्या भाव है, पाव किलो तो बहुत महंगा है, मगर पाव बताओ लगेगा, पाव पर 30 रुपए का ले लो, और तो जैसा भी, पर भैया मीठा नहीं निकला तो मैं देता हूं। और ये देखिए फ्रेंड हमारी सब्जी मंडी, जो हमारी पर्सनल सब्जी मंडी है, ये आ चुकी है, घर का सामान आम आ गए, आलू वालू जो भी हैं सब्जियां, टमाटर टमूटर जो भी कुछ है वो सब आ गए हैं, और अब इनको थोड़ा साफ़ सुथरा किया जाएगा, उसके बाद घर में रखा जाएगा। कैसा लगा मेरे मम्मा का ब्लॉग, अच्छा लगा ना, फिर आना, अभी ये ब्लॉग नहीं ख़त्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।